दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आपने कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो को डाला जो आज 13 मई 2022 नेपाल इलेक्शन टाइम, तो आपने कुछ देर पहले ही देखे होंगे। अगर उस वीडियो को तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी आदमी नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली थे। मगर अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ आपको अभी अगर समय का बात करें तो 9:15 हुए हैं और इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लोगों की भीड़ हो गई है और गेट का बाहर वोटर लोग लाइन पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस तरह से नेपाल में अभी चुनाव का वोट देने का जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब ये शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेंगे, तो आगे भी इसी तरह से मैं आप लोगों को वीडियो को प्रस्तुत करता रहूँगा। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल के प्रदेश नंबर 1 मोरंग जिले के रंगेली नगर पालिका वार्ड नंबर 5 श्री जनता माध्यमिक विद्यालय आमगाछी का मतदान केंद्र है। तो इस तरह से लोग वोट देने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं बूथ का बाहर में घूम फिर कर रहे हैं। कई लोग हैं जो अपना लाइन पर लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, एक तरफ महिलाएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष। इस तरह से कई लोग इस सोच में हैं कि अभी भीड़ है इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं और जब भीड़ कम होंगे फिर हम लाइन में आकर के अपना वोट को खसाएंगे। इस वजह से जिसे जल्दी है वो अपना लाइन में रह कर के अपना बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ का हर गतिविधि का वर्णन करते आ रहा हूँ। वैसे इस जगह में जो ये मतदान केंद्र है यहाँ पहले काफ़ी भीड़ हुआ करते थे, लेकिन जब ये बाहरी गेट बनने के बाद लोगों को रहने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। आप देख सकते हैं गेट का बाहर ये बिल्कुल सड़क है और इसी सड़क में ये लाइनें लगी हुई है। इस तरह से यहाँ रंगेली वार्ड नंबर 5 आमगाछी बूथ नंबर 6 में मतदान हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड के किनार पर ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इस मतदान केंद्र का बाहरी कोई ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल मेकअप करके इसका गेट लगाया हुआ है और इसी वजह से लोग बाहर सड़कों में बैठने पर विवश है और इसी तरह से काम चलाओ कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर का साथ कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।